हाय फ्रेंड्स, आज हम सोयाबीन्स का कीमा बनाने जा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और वेजिटेरियन है, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर तेल मैंने पहले से गर्म कर लिया था और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एक चॉप की हुई प्याज। एक तेज पत्ता ऐड कर रही हूँ मैं, एक दालचीनी का स्टिक, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, ब्लैक पेपर, चार लौंग और दो टेबलस्पून जितना लहसुन अदरक का पेस्ट। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मैं दो टमाटर ऐड कर रही हूँ। वन एंड हाफ टीस्पून नमक डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। एक टीस्पून रेड चिली पाउडर, आधी चम्मच हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके और कवर करके फिर मसालों को जो है पकने देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे मसाले हैं वो पक चुके हैं। यहाँ पर तेल जो है ऊपर आ गया है और टमाटर भी अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। सोयाबीन्स को पहले से मैंने उबाल लिया था और यहाँ पर मैं वही उबले हुए सोयाबीन्स ऐड कर रही हूँ। ये करीब 2 कप है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 खाने की चम्मच टमाटो प्यूरे ऐड किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसके बाद यहाँ पर मैं 1 कप जितने मटर ऐड कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जितना कसूरी मेथी को ऐड किया है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर कवर कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। हमारे मसाले भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अगर आपको इसके अंदर ग्रेवी करनी है तो आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही रखा था इसको। और यहाँ पर हरा फ्रेश धनिया ऐड कर रही हूँ मैं। तो ये थी मेरी सोयाबीन्स की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही ईजी है बनाने में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुंचेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।